शाखा विवाद के चलते उद्धव ठाकरे के आगमन पर मुमरा हुआ तब्दील छावनी में नरेश भस्के राजन कीने ने साधा विधायक अवार्ड पर निशान। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। मुमरा के शंकर मंदिर नाके के ठीक सामने की शिवसेना की परसों पुरानी मध्यवर्ती शाखा पर शिवसेना शिंदे गुट के कब्जा करने से लेकर उस पर बुलडोजर चलाने से लेकर नई शाखा के निर्माण के विवाद तक पूरा मामला हम आप तक पहुंचा चुके हैं। इसी शाखा के विवाद में शनिवार 11 नवंबर को शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे मुमरा पहुंचे। उनके इस आगमन पर महाविकास आघाड़ी की तरफ से स्थानीय कलबा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड़ ने जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए। साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी जितेंद्र आवाड़ के नेतृत्व में अपने दमखम के साथ इस कार्यक्रम में जुटी। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे भी पीछे ने। मगर पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के मुमरा आगमन से पहले क्या माहौल था उस शाखा पर, जहां पर शाखा तोड़ी गई है उस जगह पर? यहां पर मेडिकल कैंप का आयोजन शिवसेना शिंदे गुट द्वारा किया गया था। स्थानीय शिवसेना शिंदे गुट के नेता राजन कीने इसकी कमान संभाले हुए थे और लगभग 200-300 उनके समर्थक जो है वो उनके साथ लगातार यहां बने हुए। साथ ही शिवसेना के प्रवक्ता ठाणे के पूर्व महापौर नरेश भस्के भी यहां पहुंचे और इन दोनों ने पहले हम आपको पूरा नजारा बताएंगे कि किस तरीके का माहौल था सुबह से लेकर उद्धव ठाकरे के आगमन से पहले तक का, और फिर इसमें बैनर फाड़ने से लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर पैसे बांटने तक का चला। नरेश भस्के ने आरोप लगाया कि जितेंद्र आवाड़ 500-500 रुपए देकर के लोगों को बुला रहे। वहीं ये आरोप भी, इसी तरह का आरोप शिवसेना शिंदे गुट पर भी लगाया गया। तो इसके चलते दोनों ने, नरेश भस्के और राजन कीने, इन दोनों ने विधायक जितेंद्र आवाड़ पर निशाना। तो किस तरह से माहौल था, मुमरा पूरा छावनी में तब्दील हो गया, जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई, बिल्कुल पुलिस स्टेशन से लेकर के इस शाखा तक कई जगहों से मतलब अवरोध जो है बनाए गए, जिससे कोई भी लांग करके उस शाखा तक नहीं जा सकता था। बहरहाल इस राजनीतिक झगड़े का शहरवासियों को बड़ा भुगतान भरना भी पड़ा है, खामियाजा उठाना पड़ा है, क्योंकि आवाजाही आमद दरफ लगभग कई घंटों तक यहां पर बंद रही, ट्रैफिक भी बंद रहा, पुलिस की छावनी में ये मुमरा तब्दील हो गया था। तो देखिए किस तरह से ये पूरा माहौल था और क्या है शिवसेना शिंदे गुट के इन दोनों नेताओं का कहना। उबाटागढ़ के प्रमुख नेता आने वाले हैं इस शाखा को देखने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखो, शिवसेना हमारी है,
यहाँ के 99% लोग हमारे साथ में हैं। ये शिवसेना का ऑफिस का जो उपयोग है, इस्तेमाल है, वो निजी तौर पे कर रहे थे। यहाँ दुकानों का गाला ठेला डाले थे। यहाँ का शिवसेना का जो काम है वो काम बंद किया था। 99% शिवसैनिक यहाँ के एकनाथ शिंदे साहब के साथ है, इसीलिए उन्होंने इसका पुनर्बांधनी किए करने का सोचा है और पुनर्बांधनी का काम शुरू किया है। ये मंदिर है हमारा और मंदिर की तरह ही रहेगा। सर, यहाँ मुमरा में एलिगेशन लगाए गए हैं जैसे दो माले की ये शाखा बनेगी, उसकी लीगल कुछ लिखत में नहीं है और ये इलीगल तरीके से दो माले की शाखा बनाई जा रही है। जितेंद्र आवाड़े के जितने ऑफिसर्स है वो लीगल है क्या? उनको पहले जाके पूछो। उन्होंने जो हम पे आरोप किया है ना, तो उनके खुद का आरोप जो है ना, जो उनके जो है आगे पीछे वो घूम रहे, आज 500 रुपए बांट रहे। ये ऑफिस तो हमारा शिवसेना का ऑफिस है, इसने तो सबके ऑफिस हथिया लिए। नेम खान साहब से ऑफिस हथिया लिया, वो सम्राट नगर का ऑफिस रमेश पाटिल से हथिया लिया, और ये बाकायदा 99 में 2000 में दिगे साहब को चंद्रशेखर साहब ने ये मित्तल जो नवरत्न सोसाइटी है वो सोसाइटी के माध्यम से ये जगह दिगे साहब को नवरत्न सोसाइटी ने जगह दी थी, और चंद्रशेखर साहब ने जब रुंदीकरण किया था ये शाखा वो सामने थी, और जब तोड़ी नहीं गई थी तो दिगे साहब ने चंद्रशेखर साहब ने ये जगह दिलाया था शाखा का। और उसके बाद में 2017 में अपने जो जसवाल साहब थे उन्होंने भी ये शाखा तोड़ा था। तो ये शाखा बोल के शाखा बोलने के लिए कोई जगह नहीं रखी थी इन्होंने। ये शाखा में आप देखेंगे कैसा एक जगह सर्विस स्टेशन चल रहा था, एक जगह भी देखेंगे तो आप वो गैरेज को दिया था पीछे साइड में, अभी भी है देखो अंबुजा सीमेंट का ये लगा हुआ है, वो देखेंगे तो आप बिल्डिंग मटेरियल के लिए जगह दी गई थी। तो इसको पूरा भाड़े का हब बनाया था सर। ये एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसा कि ये महाराष्ट्र में शिवसेना का वाटोला किया, राष्ट्रवादी का वाटोले किया, उसको हमने नाम रखा है संजय वाटोले। तो ये संजय वाटोले और यह हमारा यहाँ का आमदार, इसके माध्यम से यहाँ पर जो उद्धव साहब को लाने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझो अपना अपना जो रहता है ना, शेख अपनी देख वाला हिसाब है। तो ये जितेंद्र आवड़ तो कुछ पड़ी नहीं है, जितेंद्र आवड़ के एक भी बैनर पे देखो, उद्धव साहब का, ठाकरे साहब का, वो जो ये लगाया स्वागत के बैनर, उसमें एक भी बाला साहब का फोटो है कि दिगे साहब का फोटो है क्या? तो कहाँ गए फिर? आगाड़ी बोलते ना तुम, कहाँ है तुम्हारी आगाड़ी? आगाड़ी में तो बाला साहब का फोटो होना चाहिए था ना, ठीक है दिगे साहब का नहीं लेकिन बाला साहब का तो होना चाहिए ना। कहाँ है तुम्हारी आगाड़ी का फोटो? सिर्फ सोनिया गांधी और शरद पवार साहब का फोटो लगाया है। सर, आपने एक इंटरव्यू में बताया कि 500 रुपये में राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को जमा कर रहे, तो उन्होंने ये बताया कि राष्ट्रवादी को 500 रुपये की जरूरत नहीं है, शिवसैनिक है जो 500 रुपये में बिकते हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? ये देखो कौन बिकते हैं क्या नहीं, आप यहाँ जाके देखो, 500 रुपये दे के लोगों को जमा कर रहे हैं, लेकिन कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है यार, या आने की हिम्मत करने की कोशिश भी उन्होंने नहीं करना चाहिए। सर, आपके साथ जो अपने गुट, एक राष्ट्रवादी का गुट साथ में है, उन्होंने भी ऐलान किया हम उद्धव साहब ठाकरे को काला झंडा दिखाएंगे, तो उसके क्या कहना चाहेंगे कल? आप उनसे पूछिए, उन्होंने ऐलान किया तो उनसे पूछिए, बराबर है ना, उनका झंडा दिखाने का सही तरीका है, क्योंकि वो जब यहाँ पर जितेंद्र आवाड़ ने शिवसेना को गाली दे के राष्ट्रवादी से चुन के आए थे, फिर बाद में जाके 2017 में 2019 में जाके गोद में बैठ के मंत्री पद के लिए, तभी उसको शिवसेना जातिवादी नहीं लगी थी, तो वो उन लोग राष्ट्रवादी वाले जो अजीत दादा गट के लोग हैं वो काले झंडे ने काला मुंह भी करने को तैयार है उनका।